नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका A1 टीवी की खास प्रस्तुति हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राम राम सा में। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे दर्शकों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 0141-451-5103 पर फोन करके हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। राम राम सा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गो संवर्धन पर, अर्थात गायों के विकास पर, उनके संरक्षण पर और उनकी सुरक्षा पर। गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गाय हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। एक समय था जब गोवंश की संख्या के हिसाब से किसी व्यक्ति की समृद्धि को आंका जाता था। गोवंश की संख्या के आधार पर ही उन्हें वृषभान, वृषभ और नंद जैसी उपाधियां प्रदान की जाती थी। भारतवर्ष में दीपावली जैसे बड़े त्यौहार के अगले दिन को हम गोवर्धन के रूप में मनाते हैं। यही नहीं, गोपाष्टमी, गोवत्स द्वादशी और जलीकट्टू जैसे त्यौहार पूर्णतः गायों और गोवंश को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को भी गोपाल, गोविंद और गोकुलेश जैसे नामों से उनके गो प्रेम के कारण ही पुकारा जाने लगा। जहां विभिन्न तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों का गोमुख से निकलना गाय की पवित्रता को दर्शाता है, वहीं आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्य आधार गाय से प्राप्त पंचगव्य को ही माना गया है। आज भी घरों में पहली रोटी गाय की बनाई जाती है, उसके बावजूद भी हर सदस्य का खाना खाने से पहले गोग्रास निकालना हमारे संस्कारों में शामिल है। एक तरफ जहां देवताओं ने स्वर्ग में गाय को कामधेनु और कपिला के नाम से अलग स्थान दिया है, वहीं दूसरी तरफ आज भी होलिका दहन या विवाह के अवसर पर गोधूली बेला नामक मुहूर्त गायों के घर लौटने वाले समय को समर्पित किया गया है। खैर, ये सब तो वो बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, परंतु आज हम अपने इस एक घंटे के एपिसोड में साबित करेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से भी गाय हम सबके लिए अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। आज हम साबित करेंगे कि अगर हमें एक रोग मुक्त जीवन जीना है तो गाय का संरक्षण और उसका संवर्धन करना ही होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश मान, जो कि पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग के, और श्री ताराचंद जी कोठारी साहब को, जो कि भारतीय गोक्रांति मंच के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं डॉक्टर मान के पास ही आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गाय हमारी माता है, हमारे लिए पूजनीय है, परंतु आज जिस परिस्थिति में ये गाय पहुँच गई उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। 1955-60 के आसपास राजस्थान में 1 करोड़ गोवंश था और उस समय भैंस की संख्या थी 40 लाख के आसपास। जी हाँ, 2012 की पशु गणना के हिसाब से राजस्थान में आज गोवंश की संख्या 1 करोड़ 32 लाख के आसपास है और भैंस वंश जो है वो 1 करोड़ 27-28 लाख के आसपास है। जी हाँ, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पिछले 20-30-40-50 वर्षों में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन पर हमने ध्यान नहीं दिया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भैंस का जो दूध है वो उससे ज्यादा मूल्य उसका मिलता है, फैट का प्रतिशत उसमें ज्यादा है, SNF ज्यादा है। थोड़े से तात्कालिक लाभ के लिए हमने भैंस की तरफ ध्यान देना शुरू किया। जी हाँ, और गौ माता की तरफ से हम धीरे धीरे विमुख होते चले गए, थोड़े से तात्कालिक लाभ के लिए। हमने ये नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम कितने खराब होंगे। जी हाँ, इसकी वजह यह रही, हमने गौ माता पे ध्यान देना कम कर दिया, उसके आहार पर, उसके चारे दाने पे, उसकी देखभाल पे, उस पर ध्यान देना कम शुरू किया, भैंस की तरफ ध्यान ज्यादा दिया, उसकी नस्ल सुधार पर भी हमने धीरे धीरे ध्यान नहीं दिया या कम दिया। उसकी वजह से जब उसको पौष्टिक आहार नहीं मिला, उसका प्रजनन चक्र गड़बड़ाया, उसमें दूध उत्पादन की क्षमता में कमी आई और धीरे 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 जो हमारी गायें 10-10, 12-12 लीटर दूध देती थी वो गिरावट होते होते आज बहुत सारा गोवंश तो हमारा ऐसा है जो किसी भी नस्ल का नहीं रहा और 2-4 लीटर से ज़्यादा उसको दूध नहीं है। तो आर्थिक रूप से ऐसा गोवंश हमारे लिए रखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इस वजह से ये जो देखभाल की कमी थी, इसकी वजह से गौ माता की स्थिति हुई।
डॉक्टर साहब, भैंस की बात अलग है, लेकिन इसमें एक और कारण हो सकता है जो मैं समझता हूं, वो है विदेशी नस्लों की गायें जब भारत में आईं, तो वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जिन्हें जर्सी गाय या विदेशी नस्ल की गाय कहा जा सकता है, उसका कितना फर्क पड़ा होगा? देखिए, वो स्थिति तो बाद में आई, ठीक है, बाहर से जो आयातित हमने नस्ल के जो है सांड किए और वगैरह इंजेक्शन किए, वो स्थिति तो उस समय आई जब हमारी गायों का दूध बिल्कुल नीचे आ गया, तो उसको भैंस से कंपटीशन के लिए फिर उन गायों को लाया गया, ये कहना कि हाँ कि गोवंश का जो अगली आने वाली संतति, क्यों उन गायों वो जो नस्लें बाहर से आई उनमें दूध देने की क्षमता 25 लीटर 30 लीटर 40 लीटर प्रतिदिन की थी, हमारी जो है गायों का दूध आ गया 4 लीटर 5 लीटर पे, तो एक तात्कालिक रूप से विकल्प सोचा गया कि हम वहां से वो आयातित करके और यहाँ का जो गोधन है उसको हम इंप्रूव करें और उसका दूध उत्पादन बढ़े, ताकि गोमाता अपना खोया हुआ सम्मान वापस से प्राप्त कर सके। लेकिन एक और तथ्य मैं आप सबके समक्ष उजागर करना चाहूंगा कि ब्राजील जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हमारे यहां की गिर गाय को ले गए, थारपारकर को ले गए, ब्रह्मा कैटल उसको कहा गया, वो लेके गए, आज वही गिर वहां पे 30 35 40 लीटर दूध दे रही है, उन्होंने उसको इंप्रूव किया और उसका उस लेवल वो अचीव किया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जो हमारा लेवल था हम उससे भी नीचे आ गए। जी हाँ, इससे पहले कि मैं कोठारी जी के पास आऊं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी, कोटा के बपावर कस्बे से रियाज मोहम्मद अंसारी बात कर रहा हूँ साहब। जी अंसारी जी बोलिए। लगातार सर गायें सामने आती है, कोई ऐसी कोई हेल्पलाइन अभी तक बनी हुई है क्या जिन पे आवारा पशुओं के बारे में हम जानकारी दे सकें, साथ में उनकी मदद कर सकें? जी हाँ कोठारी साहब, इसमें मैं आप ही से जवाब जानना चाहूंगा कि अगर आवारा पशु आवारा गाय हमें घूमती हुई मिले तो उसमें एक आम आदमी क्या कर सकता है, उसे कहाँ पहुंचा सकता है? कोठारी साहब, उसके आसपास आपके कहीं भी जो गौशालाएं हैं आप वहां पे सूचित करें, एक बात। दूसरा, अगर वहाँ पे कोई बीमार गाय है कुछ भी है तो मतलब जो भी मतलब मेडिकल है वहाँ पे हर जगह पे मेडिकल के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनको बताएं। वहाँ से भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिले तो आप कृपया मेरा नंबर नोट करें, जहाँ आपकी जगह होगी कुछ भी होगा उसके आसपास जो कुछ भी व्यवस्थाएँ हो पाएगी मैं आपको बताऊँगा और हम भी उसमें आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9351312020। कोठारी साहब, हम इसी चीज को लेकर आपके पास आना चाह रहे थे, उससे पहले ये प्रश्न आ गया, और क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से डायल इन कार्यक्रम है इसलिए उन प्रश्नों को लेना बहुत जरूरी होता है। कोठारी साहब, आपका क्या मत है जिस बारे में हमने बात को चर्चा की थी कि गायों की इस दुर्दशा का कारण क्या है? जैसे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो देसी गाय है दूसरे देशों ने उसको वहां ले जा करके और उसका दूध उन्नत मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका किया, और हमारे यहाँ पे ये है कि उसको हमने सरकार ने या हमारे हमारी जनता ने हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और केवल वो जो विदेशी गाय ये समझ करके कि भाई ये दूध ज़्यादा देती हैं उसका पालन पोषण कर लिया, आज उसी की वजह से जितनी भी बीमारियाँ हैं चाहे वो किडनी की हो चाहे वो आपकी जितनी सीरियस बीमारियां हैं जो बाई इलाज जो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियों से आज पूरा देश ग्रस्त है और वो उसकी देन जो है वो केवल हमारी जो विदेशी गायें हैं उनकी वजह से हैं, क्यों? और ये मतलब वैज्ञानिक तौर पे साबित हो गया है, क्योंकि अगर हमारा देसी गाय का दूध अगर लोग लें और वो पिएं तो वो उनके हर तरह से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देसी गाय एक ऐसी गाय है जिसके अंदर में एक सूर्य नाड़ी होती है जो हमारी पीठ के गर्दन पे जो गाय पे जो जो थोड़ा सा मतलब शिवजी का ऐसे उभरा हुआ होता है जी हाँ, वो सूर्य नाड़ी की वजह से उसके अंदर सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करने की ताकत होती है, और उसी वजह से गाय जो देसी गाय का जो दूध है उसका घी वो येलो होता है, बाकी पृथ्वी पे किसी भी का नहीं होता, इसीलिए वो स्वर्णयुक्त कहला जाता है, और उसके दूध के पीने से जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है और गर्भवती हमारी माताएं बहनें जो होती है उनके लिए भी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसके अंदर में किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो काफी पहले साबित हो चुका था कि गाय के जो पंचगव्य हैं बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद भी हम गाय से दूर होते चले गए?
मूल कारण तो यही था कि गौ माता के दूध में गिरावट आई, तो हम थोड़ा सा उसमें उस पर ध्यान देना, कम प्रॉफिटेबल कम रही जी हाँ। तो गौ माता, माता शब्द से नवाजा गया बिल्कुल, इसलिए कि माँ वो होती है जो पालती है, जो नर्चर करती है, तो वो पालने वाली स्थिति, गलती गौ माता की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। कुछ वैज्ञानिक चीजों की भी अपन बात करें, जैसे यूरिया की मैं बात करता हूं जी। यूरिया ने जितना हम मनुष्यों का और गौ माता का और अन्य पशुओं का नुकसान किया है, उतना किसी दूसरी चीज ने नहीं किया। बिल्कुल सही। जितने भी पशु आहार आज बाजार में आ रहे हैं उनमें 1% से लेकर 3-5% तक यूरिया डाला जाता है, ऐसी सूचना है। और ये यूरिया प्रोटीन बनाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप देखते हैं कि जमीन में भी जरा सा यूरिया हम छिड़कते हैं हाँ। और थोड़ी सी बरसात पानी आती है तो फसल यूं आती है। ऐसे ही वो पशु आहार जिनमें यूरिया होता है हम पशु को खिलाते हैं तो तात्कालिक रूप से 1-2 लीटर दूध थोड़े समय के लिए बढ़ता है, लेकिन उसकी वजह से गौ माता का जितना भी प्रजनन चक्र है वो डिस्टर्ब हो गया है। जो गायें 10-10, 12-12 बार बच्चा देती थी, लंबे समय तक दूध देती थी, अपने मालिक के लिए आर्थिक संबल जो बनी हुई थी, वो इस यूरिया युक्त आहार की वजह से पशुओं को दो तरफ से मार हो रही है। एक तो फसल में हम यूरिया डालते हैं और जो चारे से जो यूरिया आ रहा है वो आ रहा है, इधर से पशु आहार में यूरिया आ रहा है, वो यूरिया की वजह से ये गौ माता का जो चक्र है, प्रजनन चक्र है, वो भी गड़बड़ा गया है और उसको जो उचित आहार पोषक तत्व संतुलित रूप से मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से आज गायें 3-4 बार बच्चा देने के बाद में वो दोबारा गर्भधारण नहीं करती हैं और मजबूर होके वो मालिक उनको छोड़ देता है, जो सड़कों पे आ जाती हैं, फिर प्लास्टिक खाती हैं, फिर वगैरह ऐसी ऐसी चीजें उनको खानी पड़ती हैं क्योंकि उनको खाना नहीं पड़ता। तो ये आज एक बहुत सोचने की बात है कि यूरिया की वजह से पशु ही नहीं, हम इंसानों में भी आप देखिए प्रजनन पे तो पूरा असर डालता ही डालता है। आज से 20 साल पहले किसी अखबार में ऐसा कोई एड आपने नहीं पढ़ा होगा कि निसंतान दंपत्ति इस हॉस्पिटल में संपर्क करें, ये करें। आज हर तीसरे महीने दूसरे महीने एक बड़ा सा एड आता है। हमारे यहां भी, हमारे ह्यूमन लाइफ को भी इसने, यूरिया ने डिस्टर्ब किया है और एनिमल लाइफ को भी इस यूरिया ने डिस्टर्ब किया है। तो मेरी सभी जो भी पशु आहार निर्माता है उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया यूरिया का दूसरा विकल्प खोजें और ऐसे पशु आहार बनाएं। स्वामी रामदेव जी ने इस संबंध में थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने स्वयं भी पतंजलि के माध्यम से कुछ ऐसे आहार बनाए हैं जो यूरिया नहीं है। दूसरे भी जितने पशु आहार के निर्माता हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आने वाली नस्लों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसे पशु आहार लेके आए जिनमें यूरिया और दूसरी तरह की मिलावट ना हो। जी हां, गौ संवर्धन पर हमारी चर्चा ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए एवन टीवी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम राम राम सामे। जिन लोगों ने अपना टीवी सेट थोड़ा देर से ऑन किया है उन लोगों को बता दें कि आज हमारी चर्चा गौ संवर्धन पर है, गौ के संरक्षण पर है, गौ की सुरक्षा पर है। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई शंका या कोई सवाल है तो आप हमें 0141-451-5103 पर फोन करके मुझसे या हमारे एक्सपर्ट से सीधा संवाद कर सकते हैं। कोठारी साहब, जब हमारे संस्कारों में है कि गाय की सुरक्षा करनी चाहिए, जब हमारे संस्कारों में है कि गाय हमारी माता है, तो उसके बाद जैसे ही वो दूध देना बंद करती है उसके बाद गाय को हम छोड़ देते हैं या उसका मालिक छोड़ देता है, क्या ये भी एक कारण नहीं है गाय की दुर्दशा का? आप इस जवाब दें उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, भरतपुर से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। जी राम राम सा। राम राम सा सर, सचिन निवेदन कर रहा था। जी सचिन जी। जी सर, मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना था कि जैसे आपके कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी हाँ। लेकिन इस पे हम बात करना चाहेंगे कि अगर हमको कोई गाय मिलती है घायल अवस्था में जी हाँ, या फिर मृत अवस्था में जी हाँ, तो उसका हम गाय का क्या कर सकते हैं उसके लिए? या तो कोई टोल फ्री नंबर, कोई अस्पताल का कुछ ऐसा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर कोई घायल गाय मिलती है? मैं एक बार फिर से कोठारी साहब के पास आऊंगा। कोठारी साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। उसके लिए ऐसा है कि आप आपकी जहाँ भी गाय आपको अगर बीमार हो या सड़क ऐसे हो तो पहले तो आप वहाँ की नियरेस्ट जो भी गौशाला हो वहाँ से आप संपर्क करें। अगर वहाँ से आपको रिस्पांस नहीं मिले या कोई गाय मरी हुई हो
तो ये हमारा जैसे कर्तव्य है हर हिंदू भाई का, हर मतलब ऐसे गौ माता को माता मानने वाले का, कि उसका कहीं पर भी अच्छे से संस्कार करें, क्योंकि वो भी हम उसको माता मानते हैं और वो हमारी माँ है। क्यों है कि हमारी माँ तो हमको जब तक हम जन्म लेते हैं तो साल दो साल ही दूध पिलाती है, और गौ माता तो हम जब तक जिंदा हैं तब तक दूध पिलाती है। तो इसलिए हमारा सबका ये कर्तव्य है कि उसकी हम मतलब अच्छे से ठीक से उसका मतलब हम उसका संस्कार करें, और अगर वो घायल है या कुछ है तो उसका इलाज करें, आसपास कोई डॉक्टर हो हॉस्पिटल हो उसे संपर्क करें, गौशाला से संपर्क करें, और जहाँ भी मैंने पहले भी आपको बताया है, कहीं से भी आपको कोई रेस्पॉन्स या ठीक से नहीं मिल रहा हो तो कृपया आप मेरे से संपर्क करें, ताकि मैं उस क्षेत्र के जो भी लोग हमारे गौ से जुड़े हुए हैं, भारतीय गौ क्रांति मंच के मतलब जो राष्ट्रीय संस्था है उसके पूरे राजस्थान में हर जिले में हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, ताकि मैं उनको सूचित करके आपकी समस्या का निवारण कराने में पूरी कोशिश करूँगा। कोठारी साहब, जिस तरीके से दो प्रश्न अभी तक हमने रिसीव किए हैं, दो प्रश्न हमारे पास आए हैं, उससे लगता है कि आम आदमी कितना कंसर्न है गो रक्षा के लिए। हाँ। तो क्या वाकई में ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं होना चाहिए जिससे कि गो के प्रति किसी प्रकार कोई सूचना हो तो लोग बता सकें? बिल्कुल आपने सही कहा, ये इसीलिए हमारे जो भी आंदोलन हो रहे हैं, इसीलिए हम सरकार को जगाने के लिए हैं। हम सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं। हमने 28 फरवरी 2016 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों गौ भक्तों का हमने प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है, और आने वाले 18 फरवरी 2018 को फिर हमारे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के नेतृत्व में फिर बहुत बड़ी ये रैली होने वाली है। हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ये जो समस्या है मेरे भाई लोग बता रहे हैं, चाहे वो किसी गांव की हो, पूरे देश में है, ये हर जगह की है। किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है, सब है। क्यों कि या तो वो दूध नहीं देती तो हमारे किसान भाई उसको बाहर कर देते हैं, या कोई भी जो है उसको बाहर कर देता है, तो और वो फिर कहीं 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 उसको कोई डंडा मारता है, वो कुछ करता है, और वो हमारी आत्मा को जो भी गौ भक्त हैं उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। लेकिन हम सरकार से इसलिए मांग करते हैं कि ये गौ अभ्यारण बनाए, ताकि ये समस्या का परमानेंट मतलब इसका सॉल्यूशन हो, ताकि वहाँ पे जो भी बछड़े और जो ऐसी गाय दूध देने वाली नहीं हो वो रह सकें, और वहाँ उसके गोबर और गौमूत्र से सरकार गोबर की खाद का उपयोग करे, ताकि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया यूरिया से बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि रासायनिक खाद व कीटनाशक प्रयोग से उत्पन्न अन्न और फल सब सब्जियों के कारण माँ के स्तन में दूध में अंतरराष्ट्रीय मानक से 21 गुना विष यानी जहर मतलब उसके अंदर में आ गया है। तो ये अगर जो उसको भी बचाना है और हमारी देश की जनता का स्वास्थ्य भी बचाना है, तो सबसे जरूरी है कि देसी गाय का हम पूरी तरह से संवर्धन करें, और ये देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा, तभी ये विश्व मतलब वो बनेगा जब देश की देसी गाय को बचाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए शायद इसी मसले पर। जी राम राम सा। राम राम सा जी। मैं ये कहना जा रहा था जी कि अगर कच्चे की जो गाड़ियां अभी गवर्नमेंट ने लगाई है जी हाँ, इनके साथ अगर एक या दो दो बाल्टी लगा दी जाए जी हाँ, तो गाय के लिए जो रोटियां घरों में बचती है जी हाँ, ये रोटियां उस बाल्टियों में रख दी तो गौ माता के वहां तक पहुंच सकती है। जी हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि गाय की रोटी वहां तक भी पहुंच जाएगी, और जो आजकल गाय नहीं मिलने की स्थिति में हम रोटियों को इधर उधर रख देते हैं, वो स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। क्यों कोठारी साहब, क्या इस विषय में आप कुछ करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सुझाव हमारे दर्शक ने दिया है, तो सही है, और इसी सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। और इस सुझाव के अनुसार जयपुर में इस तरह से हमने मतलब जैसे जो लेटर बॉक्स होते हैं हाँ। वैसे बॉक्स हमने कॉलोनियों में रखवाना शुरू किया है, और वहां से वो रोटियां कलेक्ट करके जो भी आसपास की गौशालाएं होती है वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं, मैं इन भाई साहब से भी निवेदन करता हूं, और पूरे देश की पूरे राज्य की जनता से भी निवेदन करता हूं कि वो ऐसे बॉक्स अपने अपने मोहल्लों में लगवा करके और वहां से वो रोटियां गौशाला तक भिजवाने की जो मतलब व्यवस्थाएं करें, और सभी में गौ भक्तों से और गौशाला वालों से जो भी संचालक हैं उनसे भी मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बारे में वो सोचें और जरूर इस काम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब,
गाय की जब भी बात आती है तो एक धर्म विशेष के लिए ही कहा जाता है कि इन्हें जरूरत है, परंतु असल में विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो गाय सभी के लिए जरूरत है, मानव जाति के लिए जरूरत है। किस प्रकार से साबित कर पाएंगे आप इस बात को? मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, एक भाई साहब ने पूछा था कि घायल अवस्था यदि किसी गाय की हो तो क्या कर सकते हैं, तो कोठारी साहब ने बहुत विस्तार से अच्छे से बताया। उसमें मैं थोड़ा सा एडिफाई करना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में लगभग 5,000 इंस्टीट्यूशन से संस्थाएं हैं पशुपालन विभाग की, जिसमें हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सब सेंटर वगैरह हैं। तो वहाँ जो भी आपके नज़दीक का संस्था है वहाँ आप संपर्क करें, और आजकल प्रत्येक संस्था का जो भी सूचना पट है उसमें वहाँ के डॉक्टर का, कंपाउंडर का, सबका टेलीफोन नंबर लिखा होना जरूरी कर दिया गया है। तो यदि उस समय वो वहाँ नहीं भी हों तो उनका फोन नंबर पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, और सरकार द्वारा निशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त संख्या में, तो दवाइयों की प्राय कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि कोई आती है तो फिर वो जन सहयोग से 1700 के करीब, कोठारी साहब मेरी बात से सहमत होंगे, रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं राजस्थान में जो बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा में लगे हुई हैं, उनका भी वो सहयोग ले सकते हैं। रोटी, पहली रोटी गाय को देने वाली जो बात थी, ये बात बिल्कुल सही है कि छोटी छोटी बूंदों से बाढ़ आती है। थोड़ी थोड़ी रोटियां यदि हम इकट्ठा करके और गौ माता जो भी गौशाला है वहां पहुंचाएं तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा बताना फर्ज है, कई बार देखा गया है कि यज्ञ वगैरह होते हैं और बहुत सारा भोजन बनता है और वो जो बचता है वो गायों को डाल दिया जाता है। जी हाँ, बासी भोजन। यदि गाय आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनाज की रोटियां खाएगी तो उसके पेट का पीएच चेंज हो जाता है, एसिडिक साइड में आता है, बहुत तेजी से एसिडोसिस होता है, जहर बनता है, और आपने अखबार में पढ़ा होगा 20-20, 30-30 गायें एक साथ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृपया करके यदि बहुत सारी रोटियां कहीं एकत्रित हैं तो ध्यान रखें कि एक गाय आवश्यकता से अधिक उन रोटियों को नहीं खाए, नहीं तो अर्थ की जगह अनर्थ हो सकता है। सभी गोभक्तों से मेरा निवेदन है कि मेरी इस जो साइंटिफिक राय है इसका ध्यान रखें। गाय का जहां तक बात है, मैं डॉक्टर साहब एक बार फिर आपको रोकूंगा, एक और दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम भैया। जी भैया, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी कहां से बोल रहे हैं आप? मैं चाकुर से बोल रहा था भैया। जी पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये विदेशी गाय जो जर्सी गाय होती है, हाँ, और देसी गाय के दूध में क्या फर्क है? जी हाँ डॉक्टर साहब, इसके लिए हमारे साथ देसी गाय और विलायती गाय के दूध में फर्क ये है कि देसी गाय का जब बछड़ा बछड़ी होता है तो वो ऐसे सूस सूस ये वो ये मैं विज्ञान से अलग हटके बात कर रहा हूँ, और देसी गाय का बछड़ा 15 मिनट में तो उठ के और गाय के थनों की तरफ लपक लेता है गोली की तरह से, इतनी एनर्जी उसमें होती है। तो साइंस की बात तो छोड़ो, इसी बात पे आप ध्यान दो कि कितनी ऊर्जा गौ माता के दूध में होती है अपनी देशी। राजस्थान की खास तौर से बात करें तो राजस्थान का जो देशी गोवंश है पूरी दुनिया उसको अपने यहां ले जाके और उसकी ब्रीडिंग करने के लिए लालायित है, चाहे वो थारपारकर हो, चाहे गिर हो, चाहे राठी हो, चाहे कांकरेज हो, ये सब अच्छी अच्छी नस्ल की गायें हमारे यहां हैं। और प्रोटीन की बात करें, मिल्क दूध की गुणवत्ता की बात करें, तो देशी गाय में जो फैट का प्रतिशत है वो उससे ज्यादा होता है, 4-5% होता है, लेकिन वो फैट नुकसान करने वाला नहीं है। उसमें जो फैट ग्लोब्यूल की साइज है, वो फैट के जो कण की साइज है वो इतनी छोटी होती है, तभी माना जाता है कि गौ माता का दूध सुपाच्य होता है, मरीज को भी पच जाता है, उसके पीछे ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरा, रिसर्च हुई है बाकायदा कि विदेशी नस्ल की गायों के दूध में और भारतीय मूल की नस्ल की गायों के दूध में इनका जो प्रोटीन है उसकी प्रोटीन की गुणवत्ता में रात दिन का फर्क है। विदेशी गायों के दूध के प्रोटीन को A1 प्रोटीन कहा गया है। जी हाँ। भारतीय मूल की जो नस्ल की गायें हैं उनमें जो प्रोटीन पाया गया है उसको वैज्ञानिकों ने अलग से कैटेगराइज किया है, वो A2 प्रोटीन उसको कहा गया है। और ये तथ्य है वैज्ञानिक प्रयोगों से
कि ए टू प्रोटीन दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोटीन है, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, मनुष्यों के लिए उससे बढ़िया कोई प्रोटीन नहीं है। और आज मुझे ये प्रसन्नता है कि पशुपालकों का मानस वापस से भारतीय मूल की नस्लों के विकास की तरफ बढ़ रहा है। और बात करें अभी वेटनरी यूनिवर्सिटी में भी 6 फार्म देशी गोवंश के स्थापित हुए हैं, वहाँ से जितने भी गोवंश बछड़े हैं वो लोग ले जा रहे हैं। मैं भी जहाँ भी जाता हूँ गौशालाओं में उनको बताता हूँ कि वहाँ से आप निशुल्क बछड़ा ले रहे हैं। हम किसी गौशाला में 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 गोवंश पाल रहे हैं, तो मेरी सभी गौशाला के भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो अच्छी सी अच्छी नस्ल के देशी बछड़े भी अपनी गौशाला में लाएं, उनका पोषण करें, उनको अच्छी तरह से ब्रॉटअप करें और उनको एक अच्छा सांड बनाएं, ताकि गौशाला जो है वही गौशाला आने वाले समय में मैं चाहता हूं गौरवान्वित महसूस कर सकती है, जो खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएगी, जिसको न तो कोई सरकारी सहायता की जरूरत पड़ेगी न दानदाताओं की। जब वहां दूध बढ़ेगा, दूध की मात्रा बढ़ेगी, एक और लोगों को स्वस्थ दूध पीने को मिलेगा, दूसरी तरफ गौशाला वालों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो गौ माता का यदि खोया हुआ सम्मान स्वरूप हमें वापस लाना है तो हमारी धार्मिक भावना के साथ साथ इस वैज्ञानिक तथ्य की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके नस्ल सुधार की तरफ हमें ध्यान देना है। आज वापस जा रही है जर्सी, होल्स्टीन, किसी समय में एक तूफान आया था 1980 के आसपास, जो देखो विलायती गाय की बात करता था, परंतु अब वैज्ञानिकों ने हमें समझा दिया है कि भारतीय मूल की नस्लों की जो गायें हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गायें हैं, और हम भगवान ने हमें अच्छी अच्छी नस्लों से हमें यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो हमारे पे विशेष कृपा है कि हमारे यहाँ ये नस्लें उपलब्ध हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसी बीच अलवर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम जी। जी मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका प्रोग्राम दे रहा हूँ, गायों पर चर्चा चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अलवर मेवात में आता है लेकिन गायों की गो तस्करी होती है, संवर्धन नहीं होता, जिसको राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं किया जा रहा गायों पर, जब भारतीय जनता पार्टी गायों के नाम पर वोट मांगती है, सरकार में केंद्र में है, हम मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाए, क्यों नहीं किया जाता। जी हाँ बिल्कुल, कोठारी साहब। जी हाँ भाई साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी मुहिम में मतलब जो समर्थन कर रहे हैं इस बात का। हम आपको पता ही है, गोपाल मणि जी के सानिध्य में हम दो दफे भारत सरकार से मांग कर चुके हैं कि उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। क्यों? कि राष्ट्रमाता ही है हमारी, वो विश्व की माता है, हम तो उसको पशु भी नहीं कहा, पशु कैसे है, कि वो तो भगवान की भी भगवान है। जितने भी भगवान हैं वो सब मूर्ति बनती है, मूर्ति बनने के बाद में जब तक उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जब तक गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, उनसे स्नान उनसे नहीं कराया जाता, यानी गौ माता तो भगवान की भी भगवान है। इसीलिए हमने भारत सरकार से फिर 18 फरवरी 2018 को ये मांग कर रहे हैं, करोड़ों लोग जो दिल्ली में रहेंगे, कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, ताकि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध हो, और देश के अंदर में गोबर की खाद हो, यूरिया खत्म हो, और गौमूत्र से दवाइयां बने, और हमारे देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो। अरबों खरबों रुपए जो यूरिया में खर्च हो रहा है, यूरिया के बाद में जो खाद अनाज आता है उसमें दवाइयों पे खर्च होता है, जिससे हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है। इसलिए हमने ये मांग रखी है और ये मांग कर रहे हैं, 18 फरवरी को ये हम उस वहाँ पे साबित करेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार को हमारी मांग आप जैसे भाइयों की वजह से ही माननी ही पड़ेगी। जो हमारी एक उचित मांग है उसका हम बताते हैं, क्यों कि देसी गाय एक सी देसी गाय है पृथ्वी पे, जो जिसमें एक सूर्य नाड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका दूध जो है वो घी येल्लो होता है, बाकी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसका येल्लो होता है, यानी वो स्वर्ण युक्त है, और उसी के पीने से सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए आपकी मांग, आप जो मांग बता रहे हैं वही मांग हम चल रहे हैं, और इसी पे हमारा आंदोलन आगे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा और गोक्रांति मंच क्या करता है ये जानने के लिए हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एवन टीवी।
जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सामे, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं गो संवर्धन की, गो की सुरक्षा की, गो के संरक्षण की। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से, जैसा कि हमने कार्यक्रम को शुरू करते समय कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक रूप से ये गाय कितनी महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा अब सीधे सीधे हम उस विषय पर आ जाए। वैज्ञानिक रूप से ये तो बिल्कुल सिद्ध है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि बिलायती गाय का बछड़े का क्या आचरण होता है। आप भैंस पे आ जाइए, भैंस जब बच्चा देती है तो 4 घंटे तक तो उसको बच्चे को पता ही नहीं होता मैं कहां पड़ा हूं। और देशी गाय का जो भी बछड़ा बछड़ी है उसमें इतनी चमक वाली सी फुर्ती होती है कि वो 10-15-20 मिनट बाद में कूदना शुरू कर देता है। तो ये तो साइंस, हमारे जो विश्वास है उसमें साइंस भी समाहित है। आप डाइल्यूट, हर आदमी आजकल टेंशन में है ना, दुनिया में सब लोग टेंशन में है। आपके पास में अच्छी सी देशी गाय है, आपके आंगन में खड़ी है, वो रंभा रही है, उसका जो बछड़ा है वो कूद रहा है, आप उस पर धीरे से आप उसको खाज कर रहे हैं, खुर्रा कर रहे हैं, हाथ फेर कर रहे हैं, इतनी आत्मीयता से गौ माता अपना गर्दन आगे कर देती है, वो आपसे बिल्कुल समाहित होना चाहती है। तो एक ऐसा फील आता है, एक ऐसा महसूस होता है कि भाई गाय है तो जहान है। लेकिन एक बात, अब प्रश्न यह है कि आखिर हम क्या करना शुरू करें, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि हम गौ माता को वापस से समृद्धि की ओर ले जाएं, जो गौ माता का जो असली स्वरूप है उसकी तरफ ले जाएं। तो जितने भी गोपालक भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पहली बात तो यह है कि आप अपने गौ माता के को संतुलित आहार देना शुरू करें। संतुलित आहार का मतलब है कि ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्वों का समावेश है, खासतौर से मिनरल्स। 1 लीटर गोमाता जब दूध देती है तो 2 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर से निकलता है, सारे विटामिन्स उसके शरीर से निकलते हैं, प्रोटीन उसके शरीर से निकलता है। अब यदि उनकी पूर्ति अपन नहीं करेंगे, अच्छा संतुलित पशु आहार जो यूरिया रहित हो, मिलावट रहित हो, वो यदि हम उसको नहीं देंगे तो आपने देखा होगा गायें कपड़ा खाती हैं जी हाँ। बाजार में कोई बोरी मिल गई तो उसको चबाती रहती हैं, कोई जूता मिल गया सर, अगर आप आज्ञा दें तो एक फोन कॉल और हम ले लेते हैं। डूंगरपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी राम राम सा। राम राम सर जी। सर मैं कह रहा था जैसे आप कह रहे हैं गौशाला, ये जी हाँ कई हजारों गौशाला चल रही है अपने देश में, इस राज्य में जो भी माने अपन जी हाँ, तो अपन किस तरीके से मान सकते हैं गौशाला ओरिजिनल चल रही है या उसके नाम पे लूट हो रही है या क्या सही है, किस तरीके से पहचान सकते हैं इनका? जी हाँ बिल्कुल सही कोठारी साहब, जिस तरह से गौशालाएं चल रही हैं उनकी आड़ में कई लोग गोरख धंधे भी चला रहे हैं, कोई लोग दुकान भी चला रहे हैं, तो उससे अगर आपको प्रमाणित करना हो कि एक गौशाला सही काम कर रही है, सही दिशा में जा रही है, उसको चेक करने का क्या तरीका है? देखिए वो तो आप गौशाला में जाएंगे, आप वहाँ गायों की दशा देखेंगे, उनकी आप बैलेंस शीट पूछ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं, गौशालाओं को बदनाम करने के लिए कई दफे इस तरह की अफवाहें करते हैं। जो कोई काम नहीं कर सकता वो दूसरा जो काम कर रहा होता है ना उसकी टांग खिंचाई या ऐसे अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसे आक्षेप दूसरी गौशालाओं पे करते हैं। जो भी गौबक, जो भी गौशालाएं चल रही है वो लोग अपने तन मन धन से अपनी सारी शक्ति लगा करके लोगों के सामने भीख मांग करके वो गौ की रक्षा कर रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये गौशाला वाले ऐसे हैं? मैंने पूरे राजस्थान में मैं घूम रहा हूँ, पूरे राजस्थान की गौशालाओं को मैंने देखा है, और वो लोग कितनी तत्परता से और कितनी मुश्किल से वो गायों की रक्षा कर रहे हैं, ये आप वहाँ जा कर के देखिए या आप एक पाठ बन के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि वाकई ये काम करना कितना मुश्किल है। अपना घर बार या अपना व्यापार छोड़ करके इस काम में लगना, गौ माता की रक्षा करना या गौशाला चलाना, ये बहुत अपने परिवार को चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। जो भी लोग ये गौशालाएं चला रहे हैं मैं उनको हार्दिक रूप से, बल्कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि वो इस तरह से अपनी गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं और अपनी पूरे तन मन के साथ, अपने पूरी ताकत के साथ गौ की रक्षा कर रहे हैं। गौ की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है, हर कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों जो ये भ्रम है या लोग ऐसे फैला देते हैं कि गौशाला वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये चंदा ले रहे हैं, अरे भाई एक गाय पे कितना खर्च होता है, हमारे जितने भी वहाँ पे कर्मचारी गौशालाओं में होते हैं उनका कितना खर्चा गौशालाएं वहन करती है और कैसे चलाती है,
कैसे जगह जगह डब्बे रख करके या लोगों से चंदा लेकर के वो गौशाला को चलाते हैं। ऐसे गौशाला नहीं चलती है, बहुत मुश्किल से चल पा रही है और वो गौ माता की रक्षा के लिए चल पा रही है। मैं तो कहता हूँ भाई उसमें साथ में जुड़े, अगर उनके आसपास कोई गौशाला नहीं है तो बल्कि गौशाला खोलने का या दो एक एक गाय कहीं किसी के बंधवाने का ये कोशिश करें, गौ माता की रक्षा करें। और जो भी गाय दूध देने वाली नहीं है उसको भी बाहर सड़कों पे हमारे किसान भाई भी उसको नहीं छोड़े। हमारी क्या माएँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या हम उसको घर से बाहर कर देते हैं ये सोच करके कि वो हमारी माँ है, उसका भी हमने संरक्षण करना है और उसका अच्छे बछड़ों के साथ में वो गौ की रक्षा करनी है। तो ये देश निहाल हो जाएगा, किसान की जो भी आमदनी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। आने वाले समय में जो गौएं जो बता रहे हैं ना बछड़े या जो दूध देने वाली नहीं है उनकी उपयोगिता नहीं है, वो पता लग जाएगा कि उनका गौमूत्र गोबर कितना कीमती है और वो गौएं आपको लाखों रुपए में भी मिलने वाली नहीं आने वाले समय में। जी हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जिस देश में गोदान को सबसे बड़ा दान माना गया है वहां कोई भी व्यक्ति गो के नाम पे इस तरह का काम नहीं करेगा। अभी हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब सर। राम राम साहब कहाँ से बोल रहे हैं? आमेर के मानपुरा माचेड़ी गांव से मनोहर चौधरी बोल रहा हूँ। जी मनोहर जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि गौशाला खोलने के लिए क्या क्या औपचारिकताएं और आवश्यकताएं के जो दस्तावेज वगैरह हैं वो क्या क्या हैं, औपचारिकताएं क्या क्या हैं? जी हाँ, इससे पहले कोठारी जी यही बताना चाह रहे थे कि गौशालाएं नहीं है तो आप प्रारंभ कर सकते हैं। कोठारी जी आप मेरा संपर्क मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, इसमें जो भी आपकी आवश्यकताएं होगी वो मैं पूरी तरह से पूरी कराऊंगा। फिर भी एक आम आदमी हाँ, को किस तरीके से गोपालन विभाग हाँ। अलग से पृथक से बना हुआ है सरकार में और उनका काम गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना है और वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको कितनी जमीन होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो सारी बातें आपको वहां से मिल सकती हैं। टोंक रोड पे पशुपालन भवन है, उसके पीछे गोपालन विभाग है, वहां से भी आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं या कोठारी साहब से बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं उसमें आपका पूरा सहयोग जैसा भी होगा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा और अच्छा है आप गौशाला खोलें, मैं आपके साथ हूं। जी हाँ मान साहब, हमारी चर्चा बीच में अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा एक बार हम फिर वहीं लौटते हैं और मैं चाहूंगा एक बार बताएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है गाय विज्ञान की। उससे पहले एक छोटी सी बात, एक अभी दर्शक ने पूछी थी कि गौशालाओं में गोरख धंधा, भाई मैं एक बात कहता हूं, गौशाला में तो जितने सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं ठीक है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, मगर आप ये तो सोचो कितने लोग घंटे दो घंटे अपनी गांव की गौशालाओं में जाते हैं, वहां की गायों की देखभाल करने में सहयोग करते हैं, वहां की साफ सफाई और उनके रख रखाव में सहयोग करते हैं। अरे भाई जाया करो, दस दस पांच आदमी, गोरख धंधा है तो उसका पता पड़ जाएगा, सेवा है तो उसका पता पड़ जाएगा, जाओगे तो पता पड़ेगा ना। हम गौशाला में तो आधा घंटे का समय दे नहीं और फिर आक्षेप वाली बात बिना जानकारी के करें, तो जिसको भी यदि ऐसा कुछ भाव आता है कि गौशालाएं क्या करती हैं उनसे मेरा, मैं एज ए डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री बहुत गौशालाओं में गया हूं और बहुत अच्छे से काम किया है, तो भाई वहां जाओ, घंटे दो घंटे बैठो, सप्ताह में चार बार जाओ, आपको पता पड़ जाएगा गोरख धंधा हो रहा है या सेवा हो रही है, तो उसके बाद अपन इस बात को कह सकते हैं कि भाई वहां वास्तव में क्या हो रहा है। हाँ तो बात कर रहे थे हम कि आखिर क्या करना चाहिए, मैं बात कर रहा था संतुलित पशु आहार की। तो ये जो पाई का रोग कहते हैं इसको, कि शरीर में भाई आप यदि पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाएं और कुछ पैसा जमा कराएं और निकालते रहे तो एक दिन जो है बैंक मैनेजर कहेगा भाई साहब नमस्कार आपका पैसा खत्म, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। यही गोमाता के साथ हुआ, आपने गोमाता को संतुलित आहार तो दिया नहीं, दूध निकालते रहे उसके शरीर के विटामिन मिनरल कैल्शियम फास्फोरस वो दूध के माध्यम से आपके शरीर में आते रहे, आपने उसकी पूर्ति नहीं की तो उसको पाई का रोग हो गया। उसकी पूर्ति करने के लिए दीवार में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कोयला में क्या होता है, आयरन होता है, ये सब चीजों की पूर्ति फिर वो वहां से करना शुरू करती है, तो ये हमारी गलती है कि हम उसको यूरिया रहित संतुलित आहार नहीं दे रहे। जी हाँ, और इस समय एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, देखते रहिए एवन टीवी। और ब्रेक के बाद हम चलेंगे सीधे कोठारी साहब के पास। कोठारी साहब, किस प्रकार से आपका जो क्रांति गो क्रांति मंच है वो किस प्रकार से गायों के संवर्धन में मदद करता है, क्या क्या आपके उद्देश्य हैं और क्या आप आगे करना चाह रहे हैं?
हमारा उद्देश्य है पूरे देश की गाय, राजस्थान की भी नहीं, पूरे देश की गायों को बचाना, और भी देसी गाय। क्यों? कि देसी गाय के ही का महत्व है। जैसे अभी हमने पहले भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो दूसरी गायें हैं उससे तो केवल बीमारियां बढ़ती है, हमने तो उनको तो केवल एक आर्थिक रूप से की वजह से पाल लिया। और अब सब लोग समझ रहे हैं, पूरे देश में जागृति है, हर किसान और देसी गाय ही रखना चाहता है। क्यों? कि देसी गाय के दूध, देसी गाय के गौमूत्र में 24 तो रसायन और गोबर में 18 खनिज तत्व होते हैं देसी गाय में, इसलिए वही हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हम, हमारी जो मुहिम है वो इसीलिए और यही जागृति के लिए है पूरे देश और राजस्थान समय, कि हम देसी गाय को हर घर में एक एक गाय पहुंचाएं। इसके अंदर में आप 31 वर्षीय हमारे जगदीश गोपाल जी महाराज हैं, जो जो पैदल यात्रा पे हैं, जो रोज़ केवल पैदल चलते हैं, हर गांव गांव में उन्होंने इसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि देसी गाय क्या है। और उन्होंने हजारों गायें जो गाँव में हर एक एक घर में बंधवाई है, जो 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 भी इस क्षेत्र के लोग जहाँ जहाँ भी, मेरे ख्याल 10-12 जिले उनके पूरे हुए हैं, वो इस मुहिम में राजस्थान में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाया है। जो गाय आज 2-4-5 हजार रुपए में मिलती थी, वो 25-30 हजार रुपए तक पहुंच गई है। तो गाय, देसी गाय मिलना मुश्किल हो रही है लोगों को जो पालना चाहते हैं। और इसका कारण एक ही है कि गाय की बहुत महत्व है, वो जितना महत्व है कि मैं 1 घंटा तो क्या पूरे दिन अगर इसकी मतलब अपन बताते रहें तब भी कम है। ये देसी गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हर तरह से, हर तरह से, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, बहनों के लिए, उर्वरक के लिए, खनिज के लिए, गोबर के लिए, गौमूत्र के लिए। गौमूत्र सेवन करने से इनकी हजारों तरह की हमारे शरीर की रोग है वो भी दूर होते हैं। जी हाँ, उदयपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम सा। जी राम राम सा। जी सर, मेरा सवाल है कि जब पटाखों पर बैन हो सकता है, जी हाँ, बीफ पर बैन क्यों नहीं होता है? गोवा जैसे राज्यों में आज भी खुलेआम से खाया जाता है बीफ। जी हाँ, यही एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न के आगे और पीछे राजनीति प्रारंभ हो जाती है, और जहाँ राजनीति नहीं हमें गाय नीति की जरूरत होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पटाखों पर बैन हो जाता है, उसके पीछे बताया जाता है कि कारण है प्रदूषण, परंतु बीफ जैसी चीज पर बैन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लोगों के स्वाद का मामला कहकर खत्म कर दिया जाता है। क्यों कोठारी साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे भाइयों ने, आपने भी सबने देखा होगा कि मोदी जी गाय को चारा खिलाते हुए उन्होंने कहा था कि ये गाय वोट नहीं देती, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे भाइयों, मैं देश की जनता से विशेषकर हर गौवक्ष से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में वो गाय का वोट मान करके वोट दें, कि गाय वोट दे रही है ये समझ करके वोट दें, देश में गोहत्या बंद होगी। और आप जैसे आप बता रहे हो बीफ पे बैन होना चाहिए, ये 100% हो जाएगा जब गाय वोट देने लगेगी। गाय का वोट देने का मतलब है आप वोट दे रहे हो तो ये समझ के दो कि आप गाय हो, आपका वोट किसको जाए? गाय बोल नहीं सकती, लेकिन आप और हम बोल सकते हैं, और आपने और हमने गाय की सुरक्षा करनी है, तो अब हमारा वोट आगे के लिए ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो गाय की सुरक्षा और संवर्धन में हम साथ दे, जो गाय के बीफ पे बैन लगाए। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर गाय के बीफ की बात करते हैं तो उससे कुछ ही लोगों का पेट भरता है, परंतु गाय यदि जिंदा रहती है तो न जाने कितने लोगों का पोषण करती है। डॉक्टर साहब, और क्या चीजें हैं जो कि गाय हमें बताती हैं और गाय हमारे साथ, हमारे लिए वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है? राजस्थान में ह्यूमन पॉपुलेशन करीब 6.5 करोड़ है। जी हाँ। और गोवंश का संख्या पॉपुलेशन जो है वो 1,32,00,000 है। जी हाँ। एक परिवार में 4-5 आदमी माने तो ये माने कि हर परिवार के हिस्से में एक गौ माता आती है। हम दूसरे सारे चीजों में पैसा खर्च करते हैं, यदि एक परिवार एक गौ माता को गोद ले ले, उसके घर में जगह है तो घर में रख के सेवा करे, घर में नहीं है तो पड़ोस की गौशाला में एक गाय को गोद ले ले, और यदि उसकी साथ संभाल की जिम्मेदारी ले ले, तो आने वाले 2-4-5 सालों में गौ माता इतनी समृद्ध हो जाएगी कि उसका कोई जो है स्लॉटर के लिए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 लीटर 10 लीटर 12 लीटर दूध गाय कोई भी स्लॉटर में जाती नहीं है, स्लॉटर में चोरी छिपे हम उसको खुला छोड़ देते हैं। जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं वो उसको ले लेते हैं
और चोरी छिपे वो स्लॉटर के लिए उसको ले जाते हैं। लेकिन यदि हमने, जैसा मैंने बताया, ध्यान देना शुरू करेंगे वापस से गो संरक्षण और संवर्धन पर, जी हाँ, तभी कोठारी साहब ने जो बातें बताई उन सबको ध्यान में रखते हुए, इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पावर्स का, दोनों शक्तियों का जब समावेश होगा और हम साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश का ही नहीं देश का बच्चा बच्चा गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में जब सहयोग देने लगेगा, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि गौ माता अपना खोया हुआ सम्मान वापस नहीं प्राप्त कर सके। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस प्रकार से लोग अभी देशी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा पतंजलि का, बाबा रामदेव का, जिन्होंने पूरे देश ही नहीं विदेश में भी आपकी आयुर्वेद संस्कृति को और भी दूसरी चीज़ें हैं उन्हें जब प्रचारित कर सकते हैं, तो अगर हम लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। गाय के साथ तो बहुत सारी आर्थिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार इस तरह की कंपनियां लोगों से गाय के घी, दूध और ये सब एकत्रित कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाना है। बस आवश्यकता है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। क्यों डॉक्टर साहब? स्वामी जी एक बार योग करा रहे थे सुबह, और उसके बाद में थोड़ी वार्तालाप चल रही थी, तो एक महिला ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, मनुष्यों के लिए तो आप योग करा के उनको स्वस्थ रख रहे हो, प्राणायाम सिखा रहे हो, आयुर्वेद के लिए आपने बहुत काम किया है, गौ माता के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी उस समय तो निरुत्तर हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने स्टडी इसको करवाया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गौ माता की पूछ धीरे धीरे कम हो रही है और कत्ल खाने में गोवंश जा रहा है। तो उनको वही बात समझ में आई जो मैंने मेरी बातचीत के शुरू में बताया था कि असंतुलित पशु आहार जो है वो जिम्मेदार है, न तो उसमें दूध उत्पादन हो रहा है और उसकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आ रही है। तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है इसकी तरफ, और मैं समझता हूं कि दूसरे लोग भी इस बात को समझेंगे। और यूरिया रहित संतुलित आहार, अपने राजस्थानी में कहते हैं कि पशु की जाड़ में दूध होता है, जाड़ में दूध होता है, मतलब जो कुछ जैसा आहार पशु खाता है वैसा ही वो दूध उत्पन्न करता है और वैसी उसकी प्रजनन क्षमता होती है। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि संतुलित आहार, यूरिया रहित आहार आप अपने पशुओं को देना शुरू करें और उनके प्रजनन पर ध्यान दें। उन्नत नस्ल के जो नंदी हैं देशी, उनसे गर्भित कराएं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं, तो भी उन्हीं के बीच से आप कृत्रिम गर्भाधान कराएं ताकि दर्शक आने वाले हमारे साथ जुड़ गए। मान साहब बीच में रोकना पड़ रहा है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम राम साहब। सर नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। सर उमेश गोल बोल रहा हूँ सर, मैं रामपुरा जामी हुए। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि गौ संवर्धन को लेकर के जी पशुपालन विभाग की आगामी कोई बढ़िया योजना है क्या? जी हाँ बिल्कुल, पशुपालन विभाग के पूर्व निदेशक हमारे साथ बैठे हुए हैं। सीधी सीधी बात वही पूछना चाह रहे हैं कि गौ संवर्धन में पशुपालन विभाग क्या कर रहा है। देखिए, गौ संवर्धन के लिए राजस्थान की सरकार की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। इसके लिए अलग से गोपालन विभाग का सृजन किया गया है जो सिर्फ गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जब बीमार हो जाता था गोवंश तो उचित आर्थिक अभाव के कारण कई लोग उसका इलाज नहीं कर पाते थे, तो निशुल्क, जैसे मनुष्यों को चिकित्सालयों में निशुल्क दवा मिलती है, इसी प्रकार से पशु चिकित्सा संस्थाओं में भी निशुल्क दवा वहां पे उपलब्ध है और आप उसका इलाज करा सकते हैं। और राजस्थान में जो ब्रीड इंप्रूवमेंट का काम है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जेके ट्रस्ट नाम की एक एनजीओ संस्था है जिसने भी 2000 केंद्र राजस्थान में अभी खोले हैं जो कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और इसी प्रकार से 5000 के लगभग जो पशुपालन विभाग की संस्थाएं हैं वहां भी अच्छे बीज उपलब्ध है और वो भी नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं और पशुपालकों को उनमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि किस प्रकार का आहार खिलाएं, कैसे देखभाल करें, क्योंकि चार चीजें ध्यान रखनी पड़ती है यदि हमें गोवंश का विकास करना है। तो मैनेजमेंट, उसका रखरखाव कैसा हो, उसका फीडिंग कैसा हो, दो, ब्रीडिंग, उसको नस्ल सुधार कैसा हो, और डिजीज कंट्रोल। अभी राजस्थान में खुरपका मुंहपका का कार्यक्रम चल रहा है, पशुपालन विभाग की तरफ से निशुल्क टीकाकरण 6 महीने में 2 बार किया गया है, तो आप सभी पशुपालक भाई वो टीका लगाएं, दूसरी छूतदार बीमारियों के टीके समय पर लगाएं ताकि अपना गोवंश स्वस्थ रहे, अधिक दूध दे और आर्थिक रूप से आपके लिए अधिक लाभप्रद हो। कोठारी साहब, समय बहुत कम है और जी हाँ, पूरे राजस्थान में भारतीय गो क्रांति मंच के सभी मतलब जिलों में कार्यकारिणी का गठन हुआ है और हो रहा है, मतलब तहसील स्तर तक, मंडल स्तर तक,
तो मैं भी जितने भी मेरे भाई या जो भी इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो गौ माता की सेवा में या गौ संवर्धन में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वो संस्था से जुड़े और अपना कुछ भी समय गौ माता के लिए दें ताकि हम गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा सकें और देसी गाय को बचा करके न केवल किसान का बल्कि समस्त जनता का भी इसमें भला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की, वरना ठीक वही हालत हो जानी है जब ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते थे, हमें बताया गया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आप केमिकल्स का यूज कीजिए, और जब हम केमिकल्स का यूज करने लगे तो आज हम वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, कहीं दोबारा से हम लोग फिर वापस उसी जगह ना पहुंच जाएं, इसलिए आवश्यकता है जागृत होने की, जागरूक होने की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों का जिन्होंने आज हमें फोन कॉल्स किए, और क्षमा चाहूंगा उन दर्शकों से जिन्होंने फोन कॉल्स किए लेकिन हम उनके फोन समय के कारण अब ले नहीं पा रहे हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। देखते रहिए A1 TV।